हेलो गाइस, मैं आपका अपना बादल भारद्वाज, मैं सागर भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं बादल सागर व्लॉग्स। आज का जो हमारा व्लॉग है वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला है। आज हम लोग एक प्रोग्राम है बिछुआ में, जहाँ पर जो अपने कार्य क्षेत्र में जो अव्वल कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और वहाँ पर हम लोग चीफ गेस्ट हैं। और आज हमारे इस व्लॉग में बहुत ही खास मेहमान भी हैं, जो मुंबई की सेलिब्रिटी हैं और हमारे पूरे भारत के अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रकाश सिंह टाटा जी भी हैं। तो स्टे ट्यून गाइस, आगे का दिखाता रहूंगा। सो गाइस, अभी हमारे इस ब्लॉग में मैं आपको और भी बहुत खास लोगों से मिलवाने वाला हूँ। ये हमारी शिवानी सक्सेना जी है, जो बहुत अच्छी समाज सेवी है और वार्ड नंबर 43 छिंदवाड़ा की पार्षद भी है। और ये हमारी हर्षा विनोदे जी हैं, जो जनसेवा हिताई की प्रेसिडेंट और बहुत ही अच्छी जमीनी कार्यकर्ता है। ये हमारी बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं, अलका शुक्ला आंटी जी, ये भी समाज सेवी है। और ये लोग सब रियल समाज सेवी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, जो मैम आई है मुंबई से वो थोड़ा सा फ्रेश हो रही है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बिछुआ के लिए और वहाँ का प्रोग्राम अटेंड करेंगे। सो विनीता, कैसा लग रहा है आपको? थक गए हम लोग बहुत। हर्षा दीदी की तो तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी दीदी इतनी, मतलब उनको समाज सेवा के लिए जुनून है कि वो अपनी तबीयत खराब में भी आई है। तो दीदी ठीक लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और बॉम्बे वाली मैडम को देखते हैं तो और मेरी तबीयत ही अच्छी हो गई। सो गाइस, आप सभी ने अभी तक मेरे जो भी ब्लॉग देखे होंगे वो नॉर्मल थे, लेकिन आज हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पर हम लोग महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के उपलक्ष्य में जा रहे हैं। तो वहाँ पर आज हमारे दो जवान भी जा रहे हैं साथ में, जो मेरे हर प्रोग्राम में रहते हैं, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये हमारे शिवा भैया हैं और दिलीप भैया, और वो उनको तो आप जानते होंगे, वासु भैया, और ये हमारी यशवंत चाचा है। और अब मैं आपको बहुत ही हमारे खास, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक गुरु अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश सिंह टाटा जी है, और इन्होंने हमारे छिंदवाड़ा का नाम, छिंदवाड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। आज हमारे छिंदवाड़ा को अंकल जी के नाम से लोग जानते हैं, और पूरे भारत से या पूरे विदेश से जहाँ से भी हम लोगों को फ़ोन आता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर प्रकाश टाटा सर आपके यहाँ से हैं, तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है, बोलते हो कि हाँ वो हमारे यहाँ से हैं। और हम हमारे यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा कुछ आप बोलिए हमारे यहाँ की जनता के। जी बिल्कुल, ये आपकी महानता है और आपकी मीठी वाणी से जो आपने पूरे छिंदवाड़ा जिले को अपनी मधुर आवाज़ दी है। आप बहुत बड़े सिंगर हैं, मध्य प्रदेश की शान हैं बादल भारद्वाज जी। हमने अभी पूनम जो अभिनेत्री आई है साथ में, वो अभी जो गाना लॉन्च हुआ है न्यू होली के बारे में, उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा है और आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है देश के लिए। हमारे पूरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि अपनी मीठी वाणियों से ऐसे ही गानों को बिखेरते रहें और देश में क्या पूरे विदेशों में भी नाम हो, यही हमारी शुभकामनाएं। फाइनली गाइज, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम है वहाँ के लिए हम लेट हो रहे हैं, और जो सेलिब्रिटी आया है मैं उनसे आपको बाद में मिलवाऊंगा, तो बने रहिएगा। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है, और इस खूबसूरत मौसम में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है, और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। अब हम लोग आपको मिलते हैं कार्यक्रम स्थल में। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और देखिए वो हम लोगों को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग हमारी गाड़ी लगाते हैं। हमारे जिले की शान और हमारे बिछुई नहीं, हमारे मध्य प्रदेश और बाहर भी पूरे भारत में अपनी आवाज का जलवा बिखेर चुके हैं, और इससे पहले भी हमने बहुत सुना है उनको, इस सफेद चर्चा पे भी आज सुना है, और उनके आते भी हमने उन्हीं को सुना है। ऐसे हमारे बड़े भैया बाजार भरद्वाज जी हमारे बिछुई।
समर्पित है जिन्होंने अपने गायकी के क्षेत्र में अपना ये सबका मुकामा हासिल किया है। उनका फैन अभी हमने सुना था भाई भाई डीजे पे नाचेगा सारा मोहल्ला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक हसारी माओ के लिए बहुत शानदार सा गीत गाऊंगा, आप सभी भी सुनिए। लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते और द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते। जिसने अपने हौसलों का कद बढ़ा लिया उसके लिए कभी खट्टे अंगूर नहीं होते। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए आप लोगों के लिए। और आज महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं आप महिलाओं के लिए मतलब मेरी माओ के लिए गाना गाना चाहता हूँ। आप लोग सभी मेरा ताली से साथ देंगे। गाना है जब मैं गाऊंगा तब साथ में भी गाना और ताली भी बजाना, ठीक है? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। गाइस, हम लोग आपको बीच की जर्नी नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग का सडन यहाँ आने का प्लान हुआ। सो हम लोग अभी अम्बाड़ा में हिंगलाज माता के मंदिर आई है और अभी जो मैम है हमारे साथ आई है वो अभी पूजा के लिए सामग्री ले रही है। फिर हम लोग माता रानी की दर्शन करेंगे, उनको अर्पण करेंगे। आए हैं जो हिंगलाज मंदिर है अम्बाड़ा में एक बी टाइप कॉलोनी में हम लोग वहाँ पर आए और यहाँ पर मैम से मिलने के लिए सारी देखभाल में कितनी पब्लिक आई हुई है और मैम से कितना प्यार करते हैं लोग और हमारे डॉक्टर अंकल। और हमको लगता है कि छिंदवाड़ा जिला के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ अभियान चला रहे हैं बादल भारद्वाज। इस सारी भीड़ स्वच्छ अभियान के लिए आपके द्वारा लेक्चर होगा जो घर घर में साफ सफाई रखा जाए, कोई भी घर के बाहर टुकड़ा न फेंके। आपसे निवेदन है हर गांव हर मोहल्ले में घर में साफ सफाई। तो गाइस ये नेक्स्ट डे है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। हर लेडीज चलेगा।
हर लेडीज इनको देख के मतलब बोलती है बादल भैया तो कुछ ना कुछ तो आपने सब देगी खींचना एक फोटो मेरी खींचना आगरा की। सो आप लोग देख रहे हैं अभी बादल सागर व्लॉग्स और हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका भी आपने पिछले भी कुछ कुछ क्लिप्स देखी होगी। तो मैं मैम से मिलाना चाहूँगा, पूनम झावर मैम जो हैं जिन्होंने बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, जैसे उनका एक गाना है धार ना मोतियों का हार, सुपर डुपर हिट, और जो गाने की लाइन है वो बिल्कुल सत्य है, वैसे ही मैम अभी भी है और हमेशा रहेंगी। तो मैम आप हमारे दर्शकों को हाय एवरीबॉडी, ऑल यू नो मी एज योर पू, पता ही है। सो बादल और सागर दोनों के लिए मेरा बहुत प्यार है क्योंकि इन दोनों ने मतलब यहाँ के, मैंने जब जितना एमपी में घूमी हूँ देखी हूँ और छिंदवाड़ा और आसपास के एरिया में, तो लड़कियाँ तो छोड़ो औरतें भी इनके लिए क्रेजी हैं। तो जब भी हम जाएँ बादल भैया कर रहे थे तो वो तो अपार्ट, बट इन लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत इन्होंने गाने बनाए हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत से बना रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट कि ये बहुत जल्दी जल्दी मुंबई में आके अपना हिस्सा जमाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो भैया दोस्तों, आप जैसे आपने मुझे प्यार दिया सोशल मीडिया पे, मैं चाहूँगी कि आप भी इनको ब्लॉग पे साथ दीजिए और जल्दी से जल्दी इतना बड़ा बनाएं कि यूट्यूब इनके लिए डबल डबल ऐसे स्टूडियो खुलवाए, है ना। थैंक यू, आई लव यू ऑल। सो गाइज, हम लोग फाइनली हमारा जो व्लॉग है उसको यहीं एंड करते हैं। आप लोग ने हमारे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। जय हिंद, जय भारत।